सो हेलो गाइस, दिस इज रेड लाइन होटल बैकर्स पॉइंट अगेन. वी आर समथिंग डूइंग न्यू. सो आपको बहुत पसंद आएगा. ये होंडा CBR का 250 का हम विंडशील्ड चेंज करने वाले हैं अभी. और विंडशील्ड का कंडीशन ऐसा है, अभी पूरा टूटा हुआ है. से भी देख सकते हैं आप. सो अभी हम चेंज करने वाले हैं. ये इसका जेनिन पार्ट है. जेनिन मैंने जो लगाया था लास्ट टाइम वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लगाया था. यूनिवर्सल उसमें कार्बन लगा के पिस्टिंग किया था. गाड़ी दासुल दिख रहा था मगर क्या करें, नया तो नया ही है. सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. हेलो, वी आर चेंजिंग. सो इसको खोलने के लिए आपको पूरा हेडसेट खोलना पड़ता है, तभी आप वो अच्छी तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे. क्योंकि इसमें आपका दो लुकिंग ग्लास का दिया होता है, नट लुकिंग ग्लास का है, और ये आगे में लॉक होता है. ये आगे में लॉक होता है और दो लुकिंग ग्लास का होता है, इस साइड और इस साइड. हेलो गाइस, अभी हमने पूरा गाड़ी खोल दिया है. ठीक है, ऐसे देखिएगा विदाउट विंडशील्ड खोल रहा है गाइस. ये थोड़ा सा विंडशील्ड ऐसा होता है CBR का, ये आपको लॉक करना पड़ता है. इधर साइड का लॉक होता है और इधर साइड का लॉक होता है, दोनों खोलना पड़ता है. उसके बाद ही इंशाल्लाह इंस्टॉल करते हैं. जैसे कि मैंने बोला आपको ये लॉक खोलना पड़ेगा. दूसरे साइड का तो लॉक खोल दिया, अभी इस साइड का लॉक खोलना पड़ेगा, तभी आपका विंडशील्ड इंस्टॉल हो पाएगा. इसी तरह से इसे लॉक होता है. देखिए गाइस, अभी हमारा वीडियो कंप्लीट होने वाला है. हमारा विंडशील्ड पूरा पूरी तरह से इंस्टॉल होने वाला है. अभी पूरा नट वट लगा दिया. अंदर का चार्टर नट होता है, इधर 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 दूसरा साइड होता है. एक तो मेरा क्लेम टूटा है. CBR का ज़्यादातर ऐसा ही टूटता है. हेलो गाइस, अटैक्स इज कंप्लीट एंड नाउ यू कैन सी द विंडशील्ड, द न्यू विंडशील्ड. इट लुक्स फैबुलस. प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक आवर चैनल. हमारे चैनल के लिए थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक दीजिए कि हम आपको अच्छी तरह से नए नए वीडियो लेकर आ सके. थैंक यू गाइस फ्रॉम रेड लाइन होटल बाइकर्स पॉइंट.